हुकूमत का बिजली बिलों में नए सरचार्जेस लगाने का ऐलान। पीएचएल सरचार्ज की मद में सार्फिन से 3.82 रुपए फी यूनिट इजाफी वसूली होगी। ये सरचार्ज 300 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल करने वालों पर लागू होगा। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जीशान यूसुफ जई से। जी जीशान, देखिए अभी गर्मियां आने वाली है और जैसे जैसे बिजली की कंजम्पशन ज़्यादा होती है, इस तरह से प्राइसेस भी उसी हिसाब से ज़्यादा होंगे। जो 300 से ज़ायद यूनिट इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, तकरीबन उनकी जो फ़ी यूनिट कीमत है वो 39.80 रुपये तक पहुंच जाएगी, ज़रा ने ये बताया है। इसके साथ साथ ये भी इस मार्च में बहुत सारे टैक्सेज लगाए गए, PHL लोन्स है, सरचार्जेज है, इसमें जो है जो GST टैक्स है वो 17% से 18% पर पहुँच गया। इसके साथ साथ जो रुपये की गिरावट है और जो दरामदी इंधन पर निसार है वो एक बड़ी वजह है बिजली की कीमतों में इजाफे का बायस बन रही है, क्योंकि कुछ जो हमारा निज़ाम है उसकी वजह से जो है तरसीली निज़ाम बेहतर नहीं, जिसकी वजह से मेरिट ऑर्डर के खिलाफ ज़रा ने बताया कि कुछ प्लांट चलाए जा सकते हैं। इसके साथ साथ IMF के भी कुछ शराय थे और साथ में हुकूमत ने दावा किया है कि आने वाले गर्मियों में सिर्फ 2 घंटे लोड शेडिंग की जाएगी और अगर इस सूरत हाल को बरकरार रखा जाता है तो हाइडल की जो पैदावार है वो अभी आने वाले दिनों में कम होगी, जो इरसा के ज़रा है उन्होंने ये बताया। तो अल्टीमेटली जो है बिजली जो है दरामदी जो फ्यूल है RFO या जो डीजल है उससे बनाई जाएगी और उसकी कीमतों में इजाफा होगा। साथ साथ अभी जो फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट है उसकी दरख्वास्त भी गुज़िश्ता हफ्ते जमा हुए, तो ये तमाम तर टैक्सेस मिला के जो 300 से ज्यादा यूनिट इस्तेमाल करने वाले उनकी जो कीमत है वो 39.80 रुपए फी यूनिट तक पहुंच जाएगी।